भिवंडी शहर का काफी पुराना और मशहूर वैरायटी कलेक्शन क्लोथिंग की दुनिया में तारुफ का मोहताज नहीं है। लेटेस्ट फैशन में कपड़े और सूटिंग और शर्टिंग मौजूद है। वैरायटी कलेक्शन पर आप कुर्ते पजामे के अलावा हर तरह के कपड़े मुनासिब दामों में पाएंगे। भिवंडी के बागे फिरदौस मस्जिद के सामने अवैध तरीके से रिक्शा ड्राइवर्स ने कब्जा किया हुआ है, जिस वजह से यहां ट्रैफिक का मसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और इस मामले में आज ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां रिक्शा ड्राइवर की मनमानी की वजह से काफी देर तक ट्रैफिक डिस्टर्ब हुई। भिवंडी में चार लोगों ने एक पुलिस कांस्टेबल के साथ की मारपीट। खबरों के मुताबिक पुलिस ने एक शख्स को महिला के साथ छेड़छाड़ करने पर गिरफ्तार किया था, जिसके बाद शख्स के दोस्तों ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायतकर्ता महिला की वीडियो बनाना शुरू की और पुलिस कांस्टेबल के मना करने पर आरोपियों ने कांस्टेबल के साथ मारपीट की। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भिवंडी में दो नई अदालतों की स्थापना की मंजूरी दे दी गई है। जानकारी के मुताबिक स्टेट लेवल पर सारे प्रोसीजर्स कर लिए गए हैं, जिसके बाद अब भिवंडी में जल्द ही एडिशन सेशन कोर्ट के साथ साथ सिविल कोर्ट की भी स्थापना की जाएगी। मुंबई के कांदिवली में एक प्ले ग्रुप में दो टीचर्स पर बच्चों के साथ मारपीट और बदसलूकी करने के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बच्चों के पेरेंट्स ने बताया कि टीचर्स के इस बिहेवियर की वजह से प्ले ग्रुप के सभी बच्चों के जहन पर बुरा असर पड़ा है। भिवंडी के टेमघर स्थित रहने वाले कपल का 4 साल का बच्चा घर से लापता हो गया, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई और मालूम हुआ कि बच्चे की मां का आशिक ही किडनैपर निकला। बच्चे की मां और आरोपी का 5 साल से ताल्लुक था और अब महिला ने आरोपी के साथ भागने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद आरोपी ने महिला के बच्चे को किडनैप कर लिया। पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही आरोपी को नासिक से गिरफ्तार किया। भिवंडी शहर में तहसीलदार के ऑफिसर्स की हड़ताल की वजह से शहर व ग्रामीण के नागरिकों को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने मुख्तलिफ मांगों के चलते हड़ताल शुरू कर दी है, जिस वजह से ऑफिस में राशन कार्ड या कोर्ट के कामों से आने वाले नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भिवंडी में एक महिला के साथ दो ढोंगी बाबाओं ने 50,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक दो अज्ञात बाबा महिला के घर पर आए और पूजा पाठ करके सारी मुसीबतों को भगाने का दावा किया, जिसके बाद महिला को एतमाद में लेते हुए 50,000 रुपए लेकर आरोपी फरार हो गए। इस मामले की जांच नारपोली पुलिस कर रही है। देश में कल मनाई जाएगी हनुमान जयंती और हर त्यौहार के मौके पर इस त्यौहार पर भी भिवंडी पुलिस द्वारा निकाला गया पैदल मार्च। पुलिस ने शहर में पैदल मार्च करके सभी को अमन और शांति के साथ त्यौहार मनाने का पैगाम दिया। भिवंडी के लाला शॉपिंग सेंटर के सामने मौजूद एबी मार्केट के फर्स्ट फ्लोर पर क्लोथिंग हब भिवंडी रेडीमेड लेडीज क्लोथिंग स्टोर है, जहां आपको इंडियन, वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न और डेली वेयर्स के साथ साथ ईद या शादी जैसे मौकों पर पहनने के लिए शरारा, गरारा, लेटेस्ट नायरा कट के कई डिजाइन अवेलेबल मिलेंगे। स्क्रीन पर दी गई डिटेल्स के जरिए आप इस शॉप से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। भिवंडी के 3 बत्ती मर्केंटाइल बैंक के सामने और रॉयल प्लाजा के बाजू में मौजूद तनिष्का इंटरप्राइजेस में पुराने नोट को बदलकर नए और अच्छे नोट दिए जाते हैं। तनिष्का इंटरप्राइजेस नोट एक्सचेंज बहुत ही रीजनेबल दाम में करता है और खास तौर पर रमजान, ईद, दिवाली जैसे त्योहारों के अलावा शादी के मौकों पर जब हमें अच्छे नोट की जरूरत होती है, तब भी आप यहां से पुराने या खस्ता हाल नोट एक्सचेंज करवा सकते हैं। 10 रुपए से लेकर 200 रुपए तक के नोट के बंडल भी आप यहां से रीजनेबल दाम में हासिल कर सकते हैं। लास्ट चॉइस एंड कंपनी इस रमजान नए अवतार के साथ अपने कस्टमर्स के लिए तैयार है। रीजनेबल रेट, बेस्ट फैब्रिक्स और लेटेस्ट फैशन के रेडीमेड कलेक्शंस मौजूद हैं। यही नहीं, इस रमजान एलसीसी ने कस्टमर्स के लिए एक बहुत ही खास ऑफर निकाले हुए हैं, जो लोगों को दुकान की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। डिटेल्स स्क्रीन पर दिए गए हैं, शॉप पर एक बार जरूर विजिट करें। आपको हमारी टॉप न्यूज टुडे कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे इस काम को बेहतर करने के लिए अपनी राय भी दें। अगर आप अपने इलाके की कोई न्यूज हमें देना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।